राजस्थान का जो पुलिस स्टेशन कुछ दिनों पहले ही चुना गया था प्रदेश का बेस्ट पुलिस थाना, वहीं पर आज हो गया रिश्वतखोरी के खेल का खुलासा। झालावाड़ एसीबी की टीम ने आज कोटा जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चेचक थाने के हेड कांस्टेबल अजीत यादव को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल 10,000 रुपए की रिश्वत एक ठेकेदार ब्रजमोहन अहिर से बतौर बजरी परिवहन के मासिक बंदी की वसूल करने की कोशिश कर रहा था। कई दिनों से हेड कांस्टेबल लगातार इस ठेकेदार को टॉर्चर कर रहा था और इस बात का दबाव बना रहा था कि उसे निर्माण कार्य के लिए अगर बजरी लेकर जानी है तो हर महीने 10,000 रुपए उसे थाने को देने होंगे। परेशान होकर ठेकेदार ने एसीबी की शरण ली और आज झालावाड़ एसीबी की टीम ने एडिशनल एसपी भवानी शंकर मीणा की अगुवाई में छापा मारकर हेड कांस्टेबल अजीत यादव को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 10,000 रुपए जो इनकी मंथली डिसाइड हुई थी वो 10,000 रुपए लेते हुए ये पकड़ा गया। उस समय ये यूनिफॉर्म में था वर्दी में, इसका जो पैंट है उसके पैंट के पीछे की जो जेब है उसमें पर्स से काला रंग का, उसमें से पैसे बरामद हुए हैं। इसके हाथों का हमने धोवन लिया है, धोवन में पिंक कलर आया है और इसकी पर्स जो है उसकी उसमें भी पिंक कलर आया है, पैसा हमने बरामद कर लिया है। एसीबी की पकड़ में आया रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल अजीत यादव फिलहाल चेचक थाने के अरोह चौकी प्रभारी की भी जिम्मेदारी संभाल रहा था, लेकिन ये समझ से परे है कि बिना एसएचओ की जानकारी के एक हेड कांस्टेबल कैसे इस तरह से रिश्वतखोरी का खुलेआम खेल खेल रहा था और थाने के लिए मासिक बंदियां वसूल कर रहा था। जाहिर तौर पर इसमें एसएचओ की भी कोई न कोई भूमिका प्रतीत होती है। वैसे भी एसीबी को दिए अपने प्रारंभिक बयान में हेड कांस्टेबल ने साफ तौर पर कहा है कि उसने रिश्वत का ये पैसा और मासिक बंदी एसएचओ के कहने पर ही बांधी थी। लेकिन राजस्थान एसीबी जो आमतौर पर छोटी मछलियों के शिकार की आदि मानी जाती है, इस मामले में जिसमें जांच के आज साफ तौर पर थाना प्रभारी तक जाती दिख रही है, कौन सी और किस दिशा में जांच ले जाती है देखने वाली बात होगी। और राजस्थान के बेस्ट पुलिस थाने में रिश्वतखोरी के खेल में कितना बड़ा खुलासा हो पाता है ये भी देखना होगा।